यासिर हुसैन एंड आई वेलकम यू टू हम ईद शो प्रेजेंटेड बाय कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। नाज़रीन, कितनी ही इंडस्ट्रीज हैं जिसकी ईद के दिनों में चांदी हो जाती है, जैसे कि डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, पीआर एजेंट्स, हर रोज एक नई लुक, हर रोज कुछ नया एंड व्हाट नॉट। और इसी तरह से बहुत नए नए कारोबार भी सामने आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मंडी जाने में सिक्योरिटी सूरत हाल पर कुछ न्यूज सामने आई और आफरीन है हमारे लोगों पर कि हमने उसे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया। इसी बारे में मैंने अपनी शायरी की किताब उफ उफ शायरी में क्या खूब लिखा है, गाए गाए यहाँ आओ क्यों खड़ी हो धूप में, बाउंसर तुमको सिक्योरिटी देगा आज नए रूप में। ऐसे आइडियाज हमें क्यों नहीं आते, ऐसी इनोवेशन हमारे आइडियाज में क्यों नहीं है, हमें क्यों लगता है कि बस ईद के दिन चार पांच कजन्स को, दो चार दोस्तों को बुला लिया जाए और बहाने से उनसे डांस करवा लिया जाए, थोड़ा शुगल मेला कर लिया जाए और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाए। हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? आपको पता है कि इलॉन मस्क ने अपनी नई ट्वीट में क्या लिखा है? मैं बताता हूं आपको। इलॉन मस्क ने लिखा है कि पाकिस्तान इज द फ्यूचर, और ये क्यों लिखा है ये भी बताता हूं। इलॉन मस्क ने देखा कि टेस्ला में उनको कोई रिटर्न्स नहीं हो रहे, बैटरियां फट रही हैं, कोई फायदा नहीं। उन्होंने टेस्ला में से अपने पैसे बाहर निकाले, शेयर्स बेचे और वो इन्वेस्ट कर दिया पाकिस्तान में। जी हाँ, 1.5 लाख टेढ़ी बकरा और 1 लाख बछड़ा उन्होंने छोड़ दिया है सिंध की जमीनों पे, जिन्हें अगले साल आप महंगे दामों खरीदेंगे। यही नहीं, नासा के साइंटिस्ट ने बताया है कि 6000 साल पहले जो वाकया पेश आया था वो आज के दिन दोबारा होने वाला है। जी हाँ, 4 बहुत बड़े सितारे एक साथ गैलेक्सी पे आने वाले हैं, और ये आम सितारे नहीं, ये वो सितारे हैं जिन्हें देखकर आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें देखकर माएं अपने लखते जगरों को अपने कलेजों से लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा कुछ बनना तो बस ऐसे ही बनना। जिनके बारे में मशहूर शायर शहजाद रॉय ने अपनी किताब साली तू मानी नहीं की जिल्द नंबर 5 और सफा नंबर 62 पर फरमाया है, तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। आप लोग कितने लकी लोग हैं, आज आपको ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगी बल्कि एजुकेशन भी मिलेगी। ये वो सितारे नहीं जो सिर्फ सितारे हैं, अरे ये तो इंटेलेक्ट की दुकानें हैं। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप यहां मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट्स अपने एडवाइजरी पैनल्स पर लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आखिर हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं चल रहा जैसे इनका सोशल मीडिया चल रहा है। ये सिर्फ सुपर मॉडल्स नहीं बल्कि ये हैं रोल मॉडल्स। ये अगर घर से निकले तो चेंज ले आए, खुला नहीं दुनिया में चेंज ले आए। कहते हैं कि औरतें अगर 4 हों तो होती हैं 400 पर भारी, ये तो खुदा का शुक्र है कि इनकी है मुझसे यारी। इससे पहले कि सस्पेंस और बढ़े और आप कहीं और चले जाएं, आपकी मुलाकात कराता हूं इन सुपर सितारों से, और सबसे पहले मिलवाता हूं अपनी दोस्त से जो फिल्म, टीवी और थिएटर तीनों मीडियम्स पे काम करती हैं, गाना भी गाती हैं और फैशन आइकॉन भी हैं, जिनके आने से दिल कहे रश के कमर, प्लीज वेलकम आयशा उमर। थैंक यू, बड़े अरसे बाद किसी ऐसे शो में आए हैं जहां आप ज्यादा बातें करेंगे। मैं सोचता हूं कि आज भी आप ज्यादा बातें करेंगे क्योंकि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी बातें बड़ी काम की। आपने क्या मेरे बारे में बोला था कि रश के, एक पूरी सेंटेंस रिपीट करें जरा। जिनके आने से दिल कहे रश के कमर। देखेंगे, ये सच बात है, दिल की बात है, बहुत अच्छी लग रही है। आज पूरा शहर भी लाल हो रहा है और आप भी लाल लाल हो रही है, सुर्खी फैला दी आपने माहौल। बड़ी ईद पे मैंने कहा थोड़ा बड़ी तैयारी होनी चाहिए, बड़ी तैयारी। बहुत खूबसूरत लग रही है आयशा। इसके साथ ही हम अपनी दूसरी मेहमान को बुलाते हैं। मेरी दूसरी मेहमान जैसे लोग इस इंडस्ट्री में बहुत कम हैं जो फिल्म और टेलीविजन को पढ़ कर आए हैं। ना सिर्फ अच्छा स्क्रिप्ट लिखती हैं बल्कि बहुत ही अच्छी अदाकारा भी हैं। इनका दीवाना है मानता ही नहीं दिले नादान, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अमर खान। लड़की अचारी तेरे अमर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आपकी बोटा के बारे में नोट की है। थैंक यू आयशा। ये क्या रबर से बनी हुई है? नहीं जी, रबर से नहीं बनी हुई, ये शुद्ध प्लास्टिक से बनी हुई है। प्लास्टिक से? इट्स नॉट
कपड़ा और ये प्लास्टिक मैं आपको बता दूं कि ये वो वाहिद प्लास्टिक का टुकड़ा है जो चांद पे पाया गया था और उससे ये बो टाई बनाया गया। वाओ, चांद पे चांद का टुकड़ा आज लगा हुआ है, चांद की गर्दन पे चांद का टुकड़ा। ये तो अमर फ्लैटिंग या फिर इलॉन मस्क से मंगवाइए। हां, इलॉन मस्क से मंगवाइए। नहीं, वो मुझसे मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मैं दे नहीं रहा क्योंकि मेरे पास एक ही है। मेरी अगली मेहमान भी बहुत ही कमाल हैं। चार हुकूमतें बदल चुकी हैं मगर ये अभी भी उसी शो पर होस्टिंग कर रही हैं। शो पर बुलाती हैं सबको, मीरा हो या नासिर, प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड निदा यासिर। बिल्कुल ठीक ठाक, आपको बुलाने में बड़ा घबरा रहा था। क्यों? मैंने कहा ये शो ले लेंगी मुझसे। अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं, आप इतने अच्छे होस्ट हैं। दो शो हैं, ये दोनों ये कर लेंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ माशाल्लाह। और वो नजर भी आता है आपको देख के, आप बहुत खुश हैं और बहुत लोगों को खुश भी करती हैं सुबह। लेकिन मैं आज बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि यहाँ भी एक यासिर है। वाह 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 माशाल्लाह। प्लीज अच्छी मजे की बातें करें। हां, मिल लें आप लोग पहले, एक ही दम मिलते हैं। मिलाना तो होता रहेगा, आप मेरे पीछे जरा ट्रेन बना के हम लोग आएंगे। अच्छा। अमर चुक चुक की आवाज नहीं आ रही मुझे, प्लीज आइए। चुक 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 चुक। प्लीज आइए खवातीन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। मैं बड़े अरसे बाद ऐसे अपनी पुरानी दोस्तों में आके आज बैठा हूँ। माशाल्लाह, शादी के बाद आज बहुत जमानों बाद मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा है। मैं डर गई। मैंने कहा है मेरी शादी कब होगी? आपने इतना पक्का मुंह बना के मुझे कहा शादी के बाद पहली बकरा ईद पे जो आप आई। अच्छा, अमर भी डर गई, कहती ये पता कैसे लगा तुम्हें? हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दे रही हूँ। अच्छा, सबसे बड़े पाकिस्तान के ईद शो में आके कैसा लग रहा है आपको? भाई आपका शो है तो फिर अच्छा ही होगा ना। वंडरफुल एक एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत, मैं रिलैक्स हूं, है ना? सारा बर्डन यासिर के ऊपर है। वो खुद भी बहुत बड़े-बड़े शोज करती है ना। जितना अच्छा बोलने वाले लोग आए हुए हैं ना, मुझे कोई बर्डन फील नहीं हो रहा। माशाल्लाह, आयशा से तो घर वाली बात होगी, तीन फिल्में हम साथ कर चुके हैं, कुछ लड़ाइयां भी होंगी, बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं आयशा से। अच्छा, ईद के दिन आप लोग सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? मुझे सीरियसली नहीं याद कि हमारी कभी भी कोई आर्गुमेंट हुई थी एवर। आपने कहा कौन सा ऑड, अब आप इतने तवातुर से करते हैं सोशल मीडिया पे, एक के बाद एक ग्रेनेड छोड़ते हैं कि याद ही नहीं रहता। मुझसे ज्यादा कंट्रोवर्सी लोगों की होती है। अब मैं क्या नहीं, क्या कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, ऑड कमेंट्स भी मैं नहीं करता। ये इनकी सहेलियां आप कमेंट करते हैं, जिस पे करते हैं उसको ऑड लगने लगता है। मैं सच कमेंट करता हूं, सच कमेंट्स। अच्छा, मुझे बताएं ना कि आप लोग ईद पे सुबह क्या खाना पसंद? हम तो खोल ही गए हैं ना, तो शर्म आ रही है कि हमसे पूछते हुए कि ईद पे क्या करते हैं ना। नहीं नहीं, ईद का खाना सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद? सुबह सुबह तो कलेजी बनती है सबके घर सुबह सुबह। हाँ, सबसे पहले क्योंकि कसाई साहब कलेजी की अनायत फरमा देते हैं, बाकी काम वो बाद में कर रहे होते हैं। ये भी है। अच्छा, ईद की तैयारियों में खवातीन का घर में वैसे तो अमूमन कुछ अलग ही रोल होता है, लेकिन आप माशाल्लाह एम्पावर्ड खवातीन है, सब वर्किंग है, तो आप लोगों का बड़ी ईद पे क्या रोल होता है घर में? भाई देखिए, मेरा तो अपनी जिंदगी में लीड रोल ही होता है ना, माशाल्लाह। तो मैं क्या करूं, अब घर पे मैं ही घर चला रही हूं। माशाल्लाह। Sometimes when I'm in Lahore, जब मैं होती हूं लाहौर में अम्मी के साथ, तो फिर होता है, बट अम्मी भी अब कुर्बानी अपने घर पे नहीं करती, अकेली रहती हैं। तो हम या तो हम दे देते हैं पैसे किसी को कुर्बानी करने के लिए, या फिर एक और फैमिली घर में हो रही होती है। हाँ, सो अम्मी लिव्स अलोन ना इन लाहौर, सो मोस्टली हम इकट्ठे होते हैं ईद पे। कभी कभार ऐसे हुआ है कि नहीं होते, इस ईद पे हम इकट्ठे हैं, अम्मी आई हुई हैं, यूजली मैं जाती हूँ, कभी वो आ जाती हैं। सो यहाँ सब कुछ बाकी जो पकाना है एंड एवरीथिंग वो हो रहा होता है, चल रहा होता है। हम ईद के दिन कुछ नहीं पकाते। ओके, हाँ, हम रेस्ट करते हैं इधर उधर से, हम जाते हैं लोगों के घर खाने। अच्छा, मेरा तो टिपिकल वो रोल होता है जो एक हाउस वाइफ का रोल होता है, गोश्त के हिस्से कराना। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया, वो नहीं है इस दुनिया में, सो वो गोश्त के हिस्से करना, कसाई के पास बैठना कि भाई क्या अच्छी अच्छी बोटियां अपनी तरफ, नहीं अच्छी अच्छी बोटियां नहीं, सारी बोटियां साफ कराना, साफ रान साबुत नहीं रखती। नहीं, वो मैं तो इतनी गोश्त की शौकीन नहीं हूँ। नहीं नहीं, हम लोग इतना गोश्त नहीं रखते, वो प्रॉपर हिस्से बराबर बराबर होते हैं, जिस तरह रिलीजियस वैल्यू के हिसाब से। मैंने सुना यासिर ने कहा था कि बकरी की चारों राने रख लेना, फिर उन्होंने बताया गया कि असल में हमारे घर में गोश्त सिर्फ यासिर खाता है और मेरा बेटा खाता है, सो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो हिस्सा जो है वो उसी को मिल जाता है, सारा जो पूरे फैमिली का हिस्सा होता है। सो और फिर वो गोश्त के हिस्से करना, किस तरह बनाना है, वो सारी चीजें किचन में, क्या मीट एट ऑल, नो मटन, नो बीफ। मैं हाँ, मेरा पित्ता नहीं है, बगैर पित्ते की खातून हूँ मैं।
जी मजबूरी में निकलवाया था क्योंकि वो हो जाती पथरी हो जाती है और जो तकलीफ देती है वो फिर इंटेस्टाइन में भी ट्रैवल कर सकती है, वो नुकसान दे। तो एक नहीं, क्या एक ही होता है पित्ता भाई? एक ही होता है पित्ता, ऐसा वो गुर्दे होते हैं, होते हैं गॉल ब्लैडर। हां हां सॉरी, एक होता है। डॉक्टर निर्दा कुछ और बताइए। ब्लैडर का ऐसा मीट का ताल्लुक इसलिए कि वो हजम खाने को हजम करने में उसके उससे अंदर से जूसेस रिलीज होते हैं, तो जब आपका हाजमा थोड़ा सा वीक हो जाए, वीक हो, सो यू आर नॉट अलाउड मीट। हां मतलब मैं अवॉइड करती हूं। मैं इस वक्त तीन डॉक्टरों के दरमियान मौजूद हूँ, मुझे लग रहा है हम पेशेंट रहे हैं, सर्जरी हो रही है, डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं मेरे ऊपर। किसी का पिता नहीं, किसी के दो हैं। समझ नहीं आ रही हूँ। लेकिन अमर आपने आपने नहीं बताया कि मैं, क्योंकि मैंने चुप करना ज्यादा पसंद किया क्योंकि मैं बहुत फोहड़ हूँ। ये सारे काम जो है कुर्बानी और गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन ये अम्मा कर रही होती हैं। नहीं, अम्मा तो एंड वी हैव अ बिग पंजाबी फैमिली, तो मामू हमारी फैमिली, हम सब इकट्ठे होके कुर्बानी करते हैं और ज्यादातर मेरी ईदें लाहौर गुजरती हैं। अब पिछले कोई एक दो साल से कराची में गुजर रही हैं, तो हमारी बड़ी ईद भी और छोटी ईद भी बहुत हैपनिंग और बहुत ज्यादा लोगों की यू नो टुगेदरनेस, सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर, ईटिंग इट टुगेदर लाइक अ बिग पंजाबी फैमिली, उस तरह से ये ईद होता ही है। ईद का त्यौहार यही अगर ना हो तो फिर पीछे रह क्या जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि अगर ईद पे आपको किसी को अपने घर में टिक्का बोटी पार्टी पे बुलाना हो, किसी सेलिब्रिटी को, किसको बुलाना चाहेंगे आप? मजे की कोई हंसाने वाले हंसमुख फिल्म के डायरेक्टर को आपको जरूर बुला सकते हैं। कहां डायरेक्टर, मजा आएगा। नहीं, मुझे बिल्कुल बुलाया जाए। नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को नहीं, नहीं, नहीं। सेलिब्रिटीज, वो भी सेलिब्रिटीज ही होते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, बट फ्रेंड्स की बात के बात करें आप, सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, यार आई वुड कॉल हु, आई वुड कॉल सनम सईद, ओके, आई वुड कॉल माहिरा, आई वुड कॉल अली रहमान, आई वुड कॉल असफर अनुशे, आई वुड जगह ज्यादा नहीं है, कम जगह है, अपार्टमेंट में रहती हूँ। अच्छा अमर, अगर आप डिनर पे किसी को बुलाना चाहें ईद के, किसी सेलिब्रिटी को, किसको बुलाएंगे? सभी दोस्त हैं, जब बुलाते हैं तो फिर सभी को ही बुलाते हैं। हमें तो कभी नहीं बुलाया, जगह भी तो देखनी चाहिए। हाँ ये भी है वो, लेकिन हमें तो कभी नहीं बुलाया। मुझे लगता है बारबेक्यू और बड़ी टाइप पे अगर आप किसी को बुलाए ना, तो फिर छत पे, छत पे, रूफटॉप पे जो है वो, आजकल जितनी गर्मी भी है इंडोर, तो यार आपको दूसरे दिन बुलाती हूँ। लेकिन कोई एक सेलिब्रिटी आपके यार, इसको मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। अरे यार, क्योंकि आपके साथ फिर मैं लाइव बारबेक्यू के आपसे भी आपकी खिदमत हासिल करूंगी बनवाने में। अच्छा मुझे लगता है उसको बुलाना चाहिए जिसको खाने का शौक है। सो हमारे घर का गोश्त का कुछ पॉलिटिशियंस को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे सईद जो है वो जब भी आते हैं हमारे घर तो बहुत शौक से खाना खाते हैं। हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि आप वर्ल्ड कप 92 पे किताब लिख रही हैं, द फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड कप 92। आप बस इंतजार फरमाइए, कुछ है क्या ऐसा? और क्या है, झूठ झूठ अंदर। अच्छा कैसे एंजॉय करती हैं इन चीजों को? हाँ बस नहीं, जो कुछ कुछ चीजों के बारे में मुझे नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करें, खुशी कर ले। बहुत सारे लोग अभी मुझे नहीं पता था कि पित्ता पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, तो नॉर्मल है। बगैर पित्ते के हर बात में गोश्त आ रहा है, आप देख रही हैं। मेरे मियाँ को बहुत ऑडियंस, अरे यहाँ से मेरे मियाँ को इतना शौक है, जंगल में छोड़ दे, शिकार करें, खाएं। कौन सी ऐसी चीज है जो वो नहीं खाता? बंदा पत्थर भी उबाल के दे दूं तो भी खा ले, माशाल्लाह। तो वो खाने की बात, देखिए नेशनल टीवी पे आज यासिर नवाज के बारे में आपको वो बातें जानने को मिली है, उबाल के दे दो पत्थर भी उबाल के दे दे तो खा लेती है, और अगर वो मजे क्या क्या टेस्ट होगा इनके हाथ में जो पत्थर भी उबला हुआ खा रहा है शौहर, क्या बात है। अच्छा कुछ सवाल हैं क्रिकेट से रिलेटेड जो आप सबसे मैं पूछूंगा। अच्छा, अच्छा इस साल वर्ल्ड कप स्क्वाड में अगर दो लड़के कम होंगे तो टोटल प्लेयर्स कितने होंगे हर टीम? मैं बता दूं, 11। दो कम होंगे तो कितने होंगे? अच्छा 10। अच्छा 9। क्यों, एक्स्ट्रा होता है एक? एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा प्लेयर होता है हमेशा। कहां आया होता है एक्स्ट्रा? पीछे बैक स्टैंड पे। हाँ आई थिंक 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 12 होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है हमेशा, होता है ना। हाँ मैं तो उसको इंक्लूड कर, मैं उसको इंक्लूड, ऐसे तो 14 लोग जाते हैं ना, फिर उनको ही नोट करेंगे, मैनेजर को भी डालने बीच में। तो आयशा जवाब गलत है क्योंकि 11 खिलाड़ी होते हैं, दो अच्छा, कम हुए तो 9 होते हैं। मुझे ये लगा कि टोटल 12 होते हैं इफ यू काउंट द वन पर्सन हु इज, ओके, क्योंकि ग्राउंड में आपके 11 खिलाड़ी। अच्छा
अमर खान वर्ल्ड कप के जो वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर वाला, हाँ, उसमें एक खिलाड़ी कितने ओवर करवा सकता है? 5 शाले से बता दो, चीटिंग करा दो, कैमरा उधर को, मुझे लगता है चलेगा 50 ओवर होते हैं इतने बॉलर कितने होते हैं? यू शुड रेस्ट योर केस, मेरे तो ओवर से कंफ्यूज हो गए, ओवर 20 नहीं होते? अरे भाई 10 ओवर, 10 ओवर, 10 ओवर, सॉरी not my field yaar, I should not know about this. Yasir Hussain cricket match se bahar ja chuki hai right, aur ab hamari experts, hamari experts ke paas jaate hain jo Ramiz Raja ko jinhone cricket sikhayi unko ye toh chalte hain ki no ball third empire hai, wo actually nida nahi hai. Maine aasan bata apna, maine oath liya hai, maine ehd kiya hai ki maine is kism ke sawalon ke sirf jawab ek dene hain. मुझे नहीं पता है? मुझे अगर पता भी होगा तो नहीं पता रही है वो इशारा, पता है अब वो ठीक करेंगे इशारा, मुझे कोई तुक्का नहीं लगाना, मुझे पता भी होगा तो नहीं बताऊंगा, मुझे पता है पास. अच्छा ये पता है क्या होता है? ये क्या क्या, ये डेड बॉल, ये डेड बॉल, तो नो बॉल और डेड बॉल इजंट इट द सेम? मैंने नहीं सुना सवाल. नो बॉल का इशारा क्या होता है? इशारा क्या होता है? नहीं ये तो आउट है, वेट वेट, वो ऊपर होता है हाथ, मुझे पता है, ये सब पता है, ऐसे होता है? नहीं ये नहीं, नहीं ये भी ये तो कोई डांस मूव होगी नहीं यार, यही होता है, मुझे याद है यही, मैंने तो यही देखा था एम्पायर जी. आइंदा नहीं करना, आइंदा ग्राउंड में नहीं आना तुमने. देखिए इनको पता ही बता नहीं, नहीं सीरियसली पास क्या हुआ भाई? नो बॉल का ये वाइवा हो रहा है क्या? मैं ये होता है, ये देखिए नो बॉल का ये नहीं, ये फोर होता है, वो ये होता है बाउंड्री. अच्छा नो बॉल से ये होता है, ये होता है, आई नेवर न्यू दिस. इस शो की निदा यासिर आप हैं. क्रिकेट में जो नॉलेज आपकी है ना, निदा तो मेरे बर्डन उठाने के लिए, निदा निदा इससे बिल्कुल आउट हो जाए. अच्छा आयशा, आपको नेक्स्ट किस फिल्म में देख रहे? एक ऐसी फिल्म जिसमें आप भी हैं. अच्छा हाँ ओके, मैं तो मुझे लग रहा है मैं तो जुड़ गया हूँ आपके साथ फिल्मों के मामले में, हमारी जितनी फिल्में आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं तीसरी आ रही है. अरे तो हमने फिल्में कितनी की आयशा? हाँ. मतलब अगर 6-7 फिल्में की उसमें 3 तो एक साथ हो गए. हाँ. ये बड़ी बात, फर्स्ट फिल्म भी हमने इकट्ठे की थी, बिल्कुल जो सुपरहिट हमारी बिल्कुल फिल्म है टकसाली, एक फिल्म आ रही है और वो बहुत ही इंटेंस एक फिल्म है और बहुत सीरियस इशू पे लिखी गई है और वो वैसे तो बड़ी ईद पे आनी थी लेकिन उस पर क्योंकि काम और किया जा रहा है यू नो उसकी कुछ चीज़ें, क्योंकि हमने देखो अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, बस इतना सीरियस इशू है कि आई थिंक बड़ी ईद पे आना थोड़ा मुश्किल भी था. बड़ी ईद पे थोड़ी लाइट लाइट और मजे की चीजें आनी चाहिए और ये गपचप का सिलसिला हमारा जारी रहेगा. इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में एक्टर्स ने जब गाना शुरू किया तो ने उनका हाथ बड़े अच्छे से थामा और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और बहुत प्यार किया. मेरी आज की आखिरी मेहमान मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जितनी हसीन हैं उतनी ही टैलेंटेड भी हैं, जब भी स्क्रीन पर आती हैं आंखें वहीं रुक जाती हैं, जिनकी स्माइल लूट ले दिलों का चैन. प्लीज वेलकम द ग्रेट सोनिया हुसैन. सोनिया मुझे पता था आपको खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, एक टॉय तो होना चाहिए सर. ओह माय गॉड इतनी अच्छी लग रहे हैं सब लोग आप. चलो अच्छा मैंने एक ब्रेक दिया है आप लोग के कलर्स का, हालांकि वो ब्रेक मैं पहले दे चुका हूँ क्योंकि आप लेट आई इसलिए आप भूल गई कि ब्रेक हो चुकी है. ये बोलना तो जरूरी होता है. अच्छा तो अब हमको नहीं पता कि एक सेगमेंट गुजर गया सोनिया की तरह, ये खाली सोफे पे हमका एआई बिठा दें. सोनिया मैं तुम्हें एक घड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, मगर होगी वो करंट वाली हर इंटरव्यू में.
जैसे टाइम हो जाए ना करंट लगे उसमें से। लेकिन सोनिया मेरी इतनी अच्छी और इतनी पुरानी दोस्त है कि मुझे कभी बुरा नहीं लगता। हर दफा ना हर इंटरव्यू अपने सोलो इंटरव्यू में बुराई करता है, फिर कहता है लेकिन सोनिया मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। सोनिया तुम ये देखो कि मैंने फॉर्मेट नहीं चेंज किया, फॉर्मेट मेरा वही है। हां ये सबके साथ यही करता है, कोई भी नहीं ऐसा नहीं है। मेरे बारे में झूठी बातें बनाती हैं ये लड़कियां मुझे बहुत तंग करती हैं। नाज़िम मैं क्या बताऊं, राजा इंद्र। सोनिया मुझे बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरती है, क्योंकि आप भी मेरी तो ईद बहुत अच्छी गुजरती है। तुम्हारा वलीमा है क्या आज? ईद के लिए अभी तो मैंने तुम्हें अंदर रेड वाला हिस्सा जो ईबी ने आयशा उमर से कोऑर्डिनेट किया है। माशाल्लाह अभी सूट में बड़ा कुछ है दिखाने को। आपने कहने कोई पीला रंग नीला रंग नहीं है आपका? नहीं नहीं जेब में कोई पीला मैं कोई जादूगर का कोट है जिसमें पीला नीला रंग की पट्टियां निकालता हूं। लेकिन सोनिया मैं जानना चाहता हूँ कि बकरा ईद पे आपकी कोई कंट्रीब्यूशन होती है घर वालों के साथ, बकरा लाने में या कटवाने में या गोश्त बनवाने में? जैसे इन्होंने कहा कि मैं बताता चलूं कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि ये जो है ना गोश्त के वो हिस्से वगैरह बनाती है। मैं बकरे काटती भी हूँ। सोनिया मैं ईद वाले बकरों की बात कर रहा हूँ। कौन से वाले? तो सोनिया कोई है कंट्रीब्यूशन? नहीं यार, एक्चुअली मेरे घर में होता ये कि हमारे घर में नहीं आते जानवर, मतलब एक आध दफा आते हैं हाथ फेरने के लिए, मतलब सीरियस बात है। तुम हंस क्यों रहे हो? एक बार नहीं, मतलब ईद से पहले तक आता है और फिर ईद पे बोरी में आता है। बोरी वो कराची में बोरी क्या बोल रहा तुम? बोरी है कराची से लाओ तो बोरी में तो खा ले जाती है। देखो बकरा ईद को पॉलिटिकल कर दिया। अच्छा छोड़ो ये सवाल ही बेकार। सोनिया ईद पे तुम नाश्ता नहीं? लेकिन हमारे जो जानवर है वो स्लॉटर हाउस में कटते हैं, मतलब घर पे नहीं काटते हम लोग, तो इस वजह से कह रही हूँ। माय गॉड आनी अच्छी बात है। ये हर चीज को ना समझेगा कि बस ये मजाक है। नहीं सो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे होता ही स्लॉटर हाउस, आप घर में काट ही नहीं सकते, तो आई नो स्लॉटर हाउस। ऐसी बात नहीं कि मेरे लिए कोई नई चीज है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप सुबह नाश्ते में ईद पे नाश्ते में क्या खाना पसंद करती हैं? एक्चुअली दाल वगैरह इस तरह की चीजें, क्योंकि ईद आपको भी पसंद है। आपका भी पेट ठीक नहीं है। मैंने बताया, मैंने कह रही गोश्त गोश्त करिए, गोश्त खाती नहीं है, मैंने कहा मेरा पता नहीं है, तो कह रही दोनों। मुझे लगा कि उसने कहा कि नहीं होते लोगों के कभी कभार एक नहीं होता, तो मुझे लगा किडनीज की बात हो रही है। मुझे बताए कि दाल खाते हैं? मतलब चिकन और इस तरह की चीजें मुझसे, जैसे हमारे जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, वो मुझसे खाया नहीं जाता, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने दिन आपके घर पे रहा होता है और आपको पता होता है आपके सामने कट रहा है। तुम्हारा वाला तो एक ही था सोनिया की स्टोरी। दीवाओं की दीवाज इधर हैं, न जाने मेरी वाइफ किधर हैं, वो जहां भी रहें खुश रहें, और मैं इन लोगों के लिए भी बहुत खुश हूं कि आज इन्हें मौका मिला मेरे साथ स्क्रीन शेयर करने का, और क्यों ना इस बड़े मौके को और बड़ा बनाया जाए और थ्रिलिंग बनाया जाए और एक मज़ेदार गेम खेली जाए। और अब जो गेम मैं खेलने जा रहा हूँ कोई आम गेम नहीं है नाज़रीन, नेशनल टेलीविजन पे ये पहली दफ़ा होगा कि इन दीवाओं की दीवाज के दिमाग का MRI किया जाएगा। जी हाँ, आपके सामने MRI होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर इनके चौथे खानों में ऐसा क्या है कि बहुत सारे फैंस का खाना खराब हो चुका है। और गेम ये है कि आप के सामने इन सबको कुछ मैजिक गॉगल्स दिए जाएंगे जिससे इनके सोचने समझने की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, और फिर इनको दिखाई जाएंगी कुछ तस्वीर जिससे इन्हें गैस करना होगा उस कंट्री का नाम। और एक ट्विस्ट भी मैंने इसमें डाला है, वो ये है कि अगर तो इन्होंने गलत जवाब दिया तो इनको पीना पड़ेगा ब्रेन बूस्टर, ताकि अगली दफ़ा जब मौका मिले तो ये उसका भरपूर इस्तेमाल कर सके, और अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया
तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं मुमालिक का इन्हें एम्बेसडर बना दिया जाए और ऐसा पॉसिबल है। और अब हम चलते हैं निदा की तरफ, इनसे पूछते हैं एम्बेसडर की क्या क्या फराइज और मजबूरियां होती है। तो हमारी सारी यहाँ पे लवाजमात आ चुके हैं। आयशा उमर, सबसे पहले आप गॉगल्स लगा लीजिए और हम आपसे शुरू करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये भी लगाना है? हाँ, यही तो लगाने हैं। और हम यहाँ कौन साड़ियाँ ले आए? हम क्या जल्दी ट्रॉपिकल आइलैंड पे आए? वाओ वाओ आयशा वाओ, और अब सबसे पहली तस्वीर दिखाई जाए आयशा उमर को, और आपके लिए तस्वीर है हमारी स्क्रीन पर। आयशा यार मुझे नजर ही नहीं आ रहा। यही तो गेम है आयशा। आयशा कम टाइम रह गया आपके पास। सी शेल्स। सी शेल, बिल्कुल सही जवाब। सी शेल्स। सी शेल्स। और अब दूसरी कंट्री गैस करनी है आयशा आपने। आप तो बहुत जहीन निकली हैं। इट्स एन आई। आई प्लस आइलैंड। ये आइलैंड। बट व्हिच आइलैंड? आयरलैंड। साउंड्स लाइक नाइस। ओके, दो सही जवाब दे दिया आपने। और अब तीसरा आयशा के लिए। तीन तीन है बस? हाँ, तीन तीन। ओहो जी आयशा। यूएसए? नो, दैट्स ब्रिटेन, दैट्स ट्री एंड दैट्स ए। बिल्कुल आयशा सही जा रही हैं आप। लंदन ट्री ए, ब्रिटेन 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 ट्री ए। अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि वो यूके गलत मुल्क का बता रही है। यूके रियली? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो अब ऑस्ट्रेलिया का तो झंडा हो गया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया ट्री ए। ऑस्ट्रेलिया ट्री ए, ऑस्ट्रिया। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड आयशा। आयशा जीत चुकी है। आयशा जिसको डाल दीजिए। वेरी गुड यार, क्या बात है, वेरी स्मार्ट आयशा। आयशा थैंक यू मेरी बच्ची, आपने मेरा दिल जीत लिया। और अब बारी है अमर खान की। और मैं ये सब पीऊंगी। आप अमर चश्मा लगा लीजिए। वैसे तो इससे फायदा मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा आपको। लगा लेते हैं, लेकिन चश्मा मेरे मुंह पे ही नहीं आ रहा। पर अच्छा लग रहा है अमर चश्मा ये वाला। चले जी, अमर के लिए, अमर के लिए तस्वीर दिखाई जाए स्क्रीन पर। बहुत आसान है ये। आइसलैंड? नहीं, क्या है ये? इट्स लाइक फ्रोजन। तो करीब है आप। फिनलैंड? फ्रोजन जैसा और क्या होता है जब सर्दी लगती है तो? अमर मैं आइसलैंड ही होता है यार। नॉर्थ पोल? नहीं, पोलैंड, आर्कटिक, जापान की एक नदी। अमर अमर फ्रीजर का माहौल कैसा होता है? कोल्ड। कोल्ड और कोल्ड से ऊपर क्या होता है? वेरी कोल्ड। जब हम सारे दोस्त बैठते हैं तो कहते ना चिली। ये चिली, वेरी गुड। और सोनिया ने मदद की। थैंक यू सोनिया। और ये बहुत मुश्किल था यार। नहीं नहीं, चिली अमर, अमर मेरे ख्याल में आप एक ये जो जापान से आया हुआ ड्रिंक है ना, जो इस तरफ पड़ा है मेरी तरफ। इस तरफ? नहीं नहीं, जो आपके नहीं नहीं, इस तरफ। ये जापान से आया हूँ। कड़वा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कड़वा बिल्कुल नहीं है। कैसा है? अच्छा है ना, देखिए ऐसी थोड़ी आपको बता रहे। और दूसरी दूसरी तस्वीर अमर के लिए स्क्रीन पर, आप भी देख सकते हैं नाजरीन। ईद मुबारक जी। यासी के दूसरे तो तुम्हारे जैसे लग रहे हैं। आई नो दिस, आई नो। नाशपाती है ना, आसान है ना। आ गया अमर। ये पहला लेमन है? नहीं, पियर। पहला पियर, दूसरा कैंड्रू। भी गेस कर लिया है। अमर अब आप रह गई हैं। समझ आ गया मुझे। ऑस्ट्रेलिया? नो, कैंग्रू। ऑस्ट्रेलिया याद आ गया। गेम समझ। गलत जवाब आपने दिया। आप ये दोबारा एक 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 और प्लीज। पता है हिंट्स हैं। देखिए हिंट्स हैं, हिंट्स हैं। ये समझ आ गया, बता दो। पियर है और कैंग्रू है, इसको मिक्स कर लो। आयशा बता दो। पेरू। पेरू, कैंग्रू। चले आप पी लेंगे, पी लेंगे। देखे ना, पेर और कैंगरू से निकला है तो। अमर दोबारा चश्मा लगा लीजिए जल्दी से। जी जी बिल्कुल लगा लिया। और तीसरी तस्वीर अमर को दिखाई जाए। जी अमर,
मुझे आ गया ये डॉल्फिन है या शार्क है पहले तो ये बताएं यार मुझे भी ऐसी चाहिए मुझे तो मुश्किल नहीं लगा वो मुल्क को तो मुल्क नहीं है शहर मछलियों का भी नहीं पता ये शार्क है और ये वेल है इतनी पिद्दी वेल कहाँ से होती है यासर प्लीज फॉर गॉड से अबर असली लागे रख दो यहाँ पे वेल वेलेस वेगस नहीं नहीं वेल 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 अबर तो मैंने वेल्स पहले कहा था उसने नहीं उसे कंसिडर किया मैंने कब कहा था अबर अभी हम रिकॉर्डिंग चला के देख यासिर मैंने कहा था जब मैंने कहा वेल इतनी बड़ी नहीं होती इतनी छोटी नहीं होती उससे पहले मैंने वेल्स कहा मुझे भी ऐसे ही कहा था आई स्वेयर मैंने नहीं सुना नहीं कहा अच्छा यार ये पॉइंट तो मुझे मिलना चाहिए बिल्कुल मिलेगा लेकिन अब ये फील ओह गॉड जो नीली पीली लाल ड्रिंक्स है मेरे दांत लाल हो जाएंगे इसको येलो वाली की बहुत बुरी और यहाँ हमारे पास मौजूद है निदा यासिर और सोनिया हुसैन और इनमें से हम सबसे पहले पूछेंगे निदा से जो अब तक दूसरों के जवाब भी दो सही दे चुके हैं क्या मतलब हम सारे सही दे दो तुम हमसे कंट्री नहीं पूछोगे कंट्री पूछेंगे सोनिया और मैं क्या हाँ नंबर थोड़ी पूछूंगा मैं आपसे फोन के अजीब बात की आपने दिखाई निदा के लिए तस्वीर पहली हाँ जी वो टेन है क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा इतना आसान so यार simple. मुझे नजर नहीं आ रहा है टेन है क्या है रेड रेड आके सो सिंपल टेनार्डो ओह ये तो मुझे सही जा रही है सही जा रही है टोनाडो कोलोराडो करीब है करीब है वो क्या है वो क्या चीज रखी है लाल मुझे नजर नहीं आ रहा लाल वाली क्लोन लाल वाला कैन है उनको हेल्प तो करते हैं कैन है कनाडा ओह वेलकम कसम से मुझे मुझे लग रहा था वो कुछ मुझे प्रॉमिस नजर नहीं आ रहा हेल्प मिली है नहीं नहीं कैन नहीं नजर आ रहा था मुझे वो कैन ड्रम लग रहा था कभी कभी कुछ लग रहा था तो मुझे नजर में नजर कम सही दूसरा दिखाएं जी हां जी ओह आई नो डाई ताइवान उसका भी सही ने गेस कर दिया बहुत आला भाई निदा हम बहुत इंप्रेस हो रहे हैं आपसे तीसरा ए के बीच में क्या है ए आर ए आर और ये क्या है अंकल है कोई अंकल एंड एंड अगर गेस कर दिया तो शुरू भी कैसे जाए ए ए आर बीच में देखो अंकल और एक्स के बीच में क्या है कप है कोई चाय की प्याली तो नजर का टेस्ट ही कसम से हो रहा है चाय की प्याली है आयशा को आ गया करीब से जाके देख लूं देखिए मैं बताता हूँ सबसे पहले ए लिखा हुआ है फिर आर लिखा हुआ है फिर एक जेंटलमैन की तस्वीर है जो डार्क कलर के है जेंटलमैन आर आ गया सोनिया तुम्हें अर्जेंटीना और यही था और ये बहुत मुश्किल था नहीं इजी था अब तो मुझे टॉप नहीं देना सोनिया अब जो बचा है वही तुम्हारे ऐसे ऐसे टफ आए फिर सोनिया को सोनिया को चश्मे मैं हेल्थी भाई निदा ने तो टच भी नहीं की अपने बूस्टर्स बस क्या बात है निदा ये मैं बता रहा हूं इस शो से आपकी इमेज टोटली चेंज हो जाएगी आप दुनिया के स्मार्ट तरीन लोगों में आ गए हैं सोनिया लगाएं भाई सोनिया बताएं क्या है बहुत आसान है यार क्या बहुत आसान है यस बहुत आसान है ना सोनिया इससे हलवा कुछ नहीं हो सकता यार ओह यस आई गॉट तो चश्मा हटाएंगे तो समझ नहीं आएगा चश्मे की गेम है सारी अब बताओ सोनिया सोनिया क्या है जोर से बोलो ये दूसरा क्या है तुम पहला बताओ पहले बताओ क्या है हाँ सोनिया पहला क्या है ओ हाँ ओ से कौन से मुल्क होते हैं ओ से तो बड़े मुल्क होते हैं दूसरा क्या है खुद पे यकीन नहीं आ रहा कितना आसान कैसे मिल सकता बनता है हमने बहुत हेल्प बिल्कुल नहीं बनता मैंने खुद नाम लिया कंट्री का क्या मतलब नजर का टेस्ट थोड़ी हो रहा है ओ से तो बहुत नाम बनती है अगले वाला क्या है तो हमने बताया तुम्हें तो शक्ल थोड़ी बनानी मैन बनाना होता है
अब जो तुम्हारे दिमाग में मैन चल रहा है वो तो नहीं हम बना सकते स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही तो पहले पहले भी ये सेम चलती है वो जेंटलमैन था है। अच्छा सोनिया के लिए दूसरा दूसरा दिखाइए क्या है पहेली हमारे पास। सोनिया लगाएं चश्मा। Oh, very easy. Sonia got the easiest one. That's true. Sonia, Japan. Sonia, Sonia के लिए और तीसरी तस्वीर दिखाइए सोनिया के लिए। Oh. This is tough. बहुत आसान है ये। Really? बहुत आसान है ये। ये अमीबा है क्या ये? इतनी डिटेल में नहीं जाना सोनिया। नहीं अच्छा। अमीबा क्या चीज होती है? आ गया? क्या है ये? क्या है ये टीवी है सोनिया? नहीं 34 इंच का टीवी। ये जर्म है। हाँ और आगे जर्मनी। जर्मनी यार सबसे आसान सोनिया को है ना सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली इनको मिले सबसे डिफिकल्ट आपको मिले हैं निदा मेरे ख्याल में निदा के लिए मैंने गेस किया तालियां बजाएं क्योंकि आयशा तो बचपन से जीतते आ रही है इसका नहीं नहीं ठीक है सोनिया को आसान मिले अमर हार गई है तो मेरे ख्याल में इस गेम की विनर जो है वो निदा क्या बात है कमाल कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स सब लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं लेकिन अभी बहुत सारी मुश्किल गेम्स बाकी हैं अगर आपको लग रहा है कि गेम्स यही है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है बहुत ही धमाकेदार गेम्स अभी बाकी हैं जाते जाते एक शेर अपनी दूसरी किताब से आपको पेश करता हूँ किताब का नाम है पब्लिशर की मौत और अर्ज किया है कि निकल रहा है दम मगर उग रहे हैं बादाम निकल रहा है दम मगर उग रहे हैं बादाम ब्रेक पर जाने वाले तुझे यासिर हुसैन का सलाम। आप ये शो तो देख रहे हैं लेकिन आप साथ साथ देख रहे हैं इन हसीनाओं को पाकिस्तान के इन बड़े नामों को इन डीवास को जिनके बारे में नुसरत अली खान साहब ने क्या खूब कहा है हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरीन आफरीन आफरीन। जी हाँ आज ईद का दिन है और ईद के दिन हम बहुत खुशियाँ बांटते हैं बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं दावतें करते हैं ये सब कुछ कीजिए बहुत अच्छी कुकिंग कीजिए मगर एक चीज़ याद रखिए कि वनस्पति और कुकिंग ऑयल में बने खाने आपके घर वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि ये ना सिर्फ मज़ेदार होते हैं बल्कि इसमें होता है विटामिन ए और D3। अब मैं बताता चलूँ आपको कि आइंस्टाइन ने सिर्फ 45% दिमाग यूज़ करके दुनिया को हिला दिया था जबकि हमारे पिछले सेगमेंट में हमारी इन डीवाज ने आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया है और देखते रहिए आगे क्या क्या बाकी है क्योंकि आगे ये इंटेलिजेंस के नए नए बेंचमार्क सेट करने जा रही हैं और हमारी जो अगली गेम है दिमाग की घंटी उसको खेलने से पहले एक छोटा सा ट्विस्ट में लेकर आया हूँ वो ये है कि एक और टेस्ट होगा कि ये उस गेम को खेलने के लायक भी हैं कि नहीं और उस टेस्ट के अंदर हम इनसे कुछ बहुत सच्चे सच्चे सवाल करेंगे और उसके सच्चे सच्चे हमें जवाब चाहिए होंगे वो एक एक सवाल है छोटा छोटा। अच्छा सवाल जो है वो बहुत मजे के हैं सबसे पहले हम सवाल करेंगे अमर से। अमर आप एक फिल्म डायरेक्टर हो तो इनमें से किसको हीरोइन कास्ट करेंगी सोनिया हुसैन आयशा उमर या निदा यास। इनकी फिल्म ईद के बाद आ रही है तो मैं सोनिया को। वाह 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 बहुत आलिया। आयशा अगर आप एक फैशन डिजाइनर हो हाँ। तो इनमें से अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको लेंगे सोनिया हुसैन अमर खान या निदा यास। ये हमें आपस में भिड़वाना चाहते हैं ये वो राउंड है। सिर्फ अपने आप को लूंगी उसके बाद मैं सोनिया को। सोनिया ले सोनिया से बस काम ही काम आ रहा है। सोनिया तुम्हें दो काम मिल गए चलो चलो फिल्म में भी कास्ट हो गई ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। मैं इतना खुश हो रही हूं तो सोनिया भी खुश नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि मेरी सोनिया से एक स्टाइल के सेंस में भी दोस्त है। अब हम निदा की तरफ चलते हैं निदा जी मुझे बताइए इन तीनों में से आपका फैशन सेंस किससे मिलता जुलता हल्का फुल्का लगता है। मेरा फैशन आयशा अमर मुझे लगा मैं पूछेगा निदा मॉर्निंग शो में इन तीनों में से किसको गेस करेंगी तो निदा कहेगी तीनों आती हैं। मैंने इसलिए सवाल चेंज किया कि फैशन सेंस जो है वो किससे मिलता जुलता है आपका इन तीनों में। यार मैं तो सीखने की कोशिश करती हूँ इन लोगों से पता फिर भी वो कौन मैं कभी इसको देखती हूँ कभी उसको देखती हूँ कभी इसको देखती हूँ खुद एक मैं तो इनसे सीखती हूँ मेरा मिलता नहीं है इन लोगों से मिलता नहीं है मैं इन लोगों से सीखती हूँ। मैंने मतलब आयशा मुझे गाइड भी करती है मैं उससे पूछती हूँ मशवरा करती हूँ कि अच्छा ये करूँ या नहीं। डबल चेक किया मिस गाइड तो नहीं कर रही नहीं ठीक है। आयशा आयशा मेरी भी गुरु रह चुकी है आयशा ने मुझे जो है ना डाइट के बारे में आयशा कभी भी मुझे वेट लूज करना होता है मैं आयशा की डाइट पे चला जाता हूँ वेट गेन करना होता है तो मैं अपनी डाइट पे आ जाता हूँ। शी इज सच अ सिक्योर अकम्प्लिश्ड वुमन एंड डिसिप्लिंड आल्सो डिसिप्लिंड थैंक यू गाइस अब लेट रुकना है डबल चेक इज जरूरी।
नहीं सच बात है ये हाँ। जो बातें जो बात हाँ। सच है वो हाँ। बोल देनी चाहिए। अच्छा सोनिया आपसे एक सवाल है कि इनमें से किसकी पर्सनैलिटी आपसे मिलती है? किसी पर्सनैलिटी मुझसे मिलती है इन तीनों में से? यार वैसे मैं सच बताऊं तीनों में से कुछ ना कुछ है मुझे। अच्छा जैसे मुझे जैसे इनका मुझे स्माइल बहुत ज्यादा करना स्वीटनेस मुझे बहुत पसंद है आई थिंक वो कहीं ना कहीं है मेरे अंदर। और मतलब फनी भी बहुत है निदा। आयशा का मुझे एक मुझे आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा लगता है और मुझे आयशा का जैसे डाइट करना जिमिंग ये सारी चीज़ें ये मैं करती हूँ। मैं मतलब नहीं भी करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं ये करूँ। और ऑब्वियसली आयशा का फैशन सेंस मुझे शुरू से मैं बहुत इंस्पायर हूँ बहुत अच्छा फैशन सेंस है। और अमर का जो है वो मुझे राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी लगती है और अमर जो है मुझे बड़ी कंपोज सी एक लड़की लगती है। तो मुझे लगता है डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज हैं। एब्सोल्युटली वाह वाह तो सोनिया आप पूरे जर्सी में सियासत में जाने के आप किसी किसी जगह भी मात नहीं खाने वाली माशाल्लाह। ये तो तुम टॉय पहन कर आए आप अपने बारे में भी कुछ पूछे ना हमसे। ये बहन तू ले ले ब्लू बन के साथ उसको मैच कर ले मिक्स कर ले। गेम जो है ये खत्म हो गई है और सबने बहुत ही मुकम्मल जवाब दिए हैं बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। ये लोग वाकई इस काबिल हैं कि ये दिमाग की घंटी खेल सके मेरे साथ। तो दिमाग की घंटी खेलने के लिए हम सब तैयार हैं आइए चलते हैं और खेलते हैं दिमाग की घंटी। प्लीज मेरे साथ आइए लेडीज। ये जो हमारा गेम है दिमाग की घंटी इसको खेलने के लिए मैं कुछ रूल्स बता दूं आप लोगों को। एक तो इसके रूल्स बहुत ही सख्त होंगे। आप सबके 50-50 लाख रुपए मेरे पास महफूज हैं जो कि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसके बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को जवाब देने होंगे। 5 सेकंड होंगे आपके पास 5 सेकंड के अंदर आपने सही जवाब देना है और मुकम्मल जवाब देना है ठीक हो गया। और अगर आपका सही जवाब होगा तो मैं एक 5 लाख की गड्डी आपको दे दूंगा और गलत जवाब हुआ तो मैं वो वापस ले लूंगा ठीक हो गया। कैसा है ना माइनस मार्किंग होगी इसके साथ। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे आयशा उमर से। नहीं तुम बहुत अच्छे हो यू आर स्मार्ट यू आर वेरी स्मार्ट आप पुरानी स्मार्ट हो। तेज जवाब देने आपने और मुझे पता है आप जीत जाएंगी ठीक है। सबसे पहले आयशा आपका सवाल ये है कि कोई 3 ऐसे कलर जो आपको लड़कों पे अच्छे लगते हो। ब्लैक व्हाइट ग्रे बिल्कुल सही जवाब 5 लाख रुपए जीत चुके हैं आयशा। दूसरा सवाल कोई 3 सब्जियां जिनके जूस निकाले जा सकते हो। करेला टमाटर खीरा माशाल्लाह 10 लाख रुपए जीत गई आयशा। कोई 3 चीजें जो जेब में रखी जा सकती हो। फोन वॉच पैसे माशाल्लाह 15 लाख रुपए आयशा क्या मुझे 5 लाख रुपए उधार मिल सकते हैं। कोई 3 काम जिनके बाद बहुत अच्छी नींद आती हो। सफाई करना घर की रनिंग करना और रीडिंग करना माशाल्लाह। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ सब और भी बड़े काम है लेकिन वो काम मैंने कर दिए सब पता चल गया। मैं बात दबाने की कोशिश करूं आप बात उठा रही हैं इस बात को यहीं दफन करके आगे चलते हैं। कोई सी 3 मछलियों के नाम बता दीजिए आयशा जो खाई जाती हैं। व्हेल शार्क टूना सही बिल्कुल शार्क भी खाते हैं शार्क तो हमारे इधर मैंने चले स्नैपर सैल्मन सी बैस फुल टाइम आप जीत चुकी हैं और अब हम चलते हैं। अब मुझे असली पैसे मिलेंगे ये वाले तो असली वाले मिलेंगे ऐसा आजकल जो हालात है इन्हीं को असली समझे उनकी भी आजकल यही असली समझ ले। चलें जी सोनिया हुसैन अब आपकी बारी है। आयशा आपके सामने जीत चुकी हैं। सबसे पहले आम की 3 किस्मों के नाम बताएं। अरे तुम क्या हुआ अरे तुम ले आ रहे हो यार टाइम आउट से अरे पांच सेकंड सोनिया मैं बस चला रहा हूँ चीटिंग ना करो तुम मेरे साथ मैं अभी घोड़े नहीं ऐसा नहीं पहले बताओ मैं सबसे जीरो जीरो करूंगा। मैंने क्या सोनिया 3 आमों के नाम बताते कहती अरे हमसे आम का नाम पूछ रहा अरे दूसरा सवाल अरे मंजिली का कुछ छोड़ ये ग्राउंडिंग कहां से स्टार्ट हो गई सोनिया नहीं टाइम तो दो दूसरे को अरे मैं 5 सेकंड
चीज है। मैंने पहले शुरू में नहीं बताया था 5 सेकंड होंगे। तो तुम हंस इतना रहे हो, मैं बोलू कब? मैं हंस रहा हूं। अच्छा मुझे पता है आम के नाम, मुझे पता है आम के नाम। हाँ मुझे पता, तुमने आम के नाम रखे हुए बबलू गुड्डू। सोनिया हो गया ना वो सवाल, गुजर गया, दूसरे सवाल पे आएंगे। चीटिंग, मैं चीटिंग कर रहा हूँ। वाह वाह, चले भाई गौर से सुनना। 3 किस्म की मिर्चों के नाम बताएं। शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च। यस, नहीं बता दिया था। इतना मुश्किल जवाब मैंने कैसे दे दिया। क्रिकेट खेलने के लिए 3 कौन सी चीजें जरूरी होती है? बॉल, बैट, क्रिकेट। वाह वाह, वेरी गुड। कोई 3 एक्ट्रेसेस जिनके स्टाइल से आप मुतासिर हैं? मुतासिर, जल्दी क्या? ये कंपेटिटिव स्पिरिट है ना, अंदर से आवाजें ही और निकल रही हैं। ओके, टाइम आ गया। तो ये आखिरी सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं तो अब नहीं एंजॉय कर। कोई 3 फ्रेंच चीजों के नाम बताएं। फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्रेंच। वेरी नाइस। मैं क्या करूं, मुझे हार जाती। मैं तो मुझे बच्चों इस वक्त रिमोट आपके हाथों में होगा। आप इस्तेमाल करें उसका भरपूर। और क्या होता है? पूड़ियां खोल गई हैं। मेरे दिमाग में यही था। ट्विस्ट, ब्रेड, फ्रेंच 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 ये तो सारे कैसे? नेल्स। ये ले तो गड्डी आप। स्मार्ट गर्ल। ये गड्डी हम। फ्रेंच मैनिक्योर। यस, फ्रेंच मैनिक्योर। चले जी, अब हम चलते हैं अमर खान की तरफ। पिछले राउंड में बिल्कुल मनीलेस खड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। कोई से 3 काम जो दोपहर में करने में ज्यादा मजा आता है? सबसे मुश्किल और बेहुदा सवाल जो हो रहे हैं वो, कौन से 3 काम है जो दोपहर को करने में ज्यादा मजा आता है? यार मुझे तो रात को सोने में ज्यादा मजा आता है। दिस इज सो सब्जेक्टिव। अरे तो कुछ तो होगा। दोपहर में धूप सेकने में मजा आता होगा, ठंड में, सर्दियों में। यही बताना था। और मेरे 5 सेकंड अभी मैंने जवाब ही नहीं दिया, खत्म हो गए। ये चीटर यार, क्या हो यार आप लोग। हम टीवी। अच्छा अगला अगला सवाल। चले जी अगला सवाल। कोई सी 3 चीजें जो फिल्म बनाने में काम आती? कैमरा, स्क्रिप्ट, डीओपी। चीजें, चीजें। अच्छा जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कैमरा, स्क्रिप्ट, जावेद शेख साहब। नाइस वन, गुड आंसर। ये तीनों तो फिल्म बन जाती है पाकिस्तान। बिल्कुल। अरे क्या चीज़ है जावेद शेख साहब, वाकई हमारे लेजेंड हैं। और उनके बगैर कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं बन सकती, मुकम्मल नहीं, कोई मुकम्मल फिल्म में फिल्म की लुक नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, कोई 3 गेम्स जिनमें उछलना पड़ता है? तुम हंस क्यों रही हो? बहुत सारे सोनिया की हंसी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। सोनिया 25 गेम है। हर गेम में तो हर बात पे हंस रही है। आप उछल रही हो सोनिया की वजह से, मुझे लाविंग फेस स्टार्ट हो गए। मैंने जो एंट्री की है ना शो से, अब मैंने जो उसकी टॉय देख ली है, बस अब मेरे दिमाग नहीं रहा, अब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई फुली। चले, कोई सी 3 चीजें जो कसाई के पास होती हैं? वो छुरा और रस्सी और वो संगल। संगल होता है यार, आप लोग स्लॉटर हाउस में भेजते हैं इसलिए आपको नहीं पता। देसी लोग जो अपने घर की छतों में और सैंड में करते हैं उनसे कुड़ियां लड़पैया ने कुड़ियां लड़पैया। संगल चेन टाइप जो होती है ना बांधने के लिए, जैसे वो बड़े जानवर जो होते हैं उनको बांधने के लिए। रस्सी से भी बांधते हैं, संगल से भी बांधते हैं। ठीक है, बकरे को लटकाते हैं, सही कह रहे हो। तुम लोग नहीं चाहते कि मैं माला माल बिकली हो। कोई से 3 राइटर्स के नाम बताएं जो एक्टर्स भी? वासे, मैं खुद, मोहम्मद अहमद, यासिर हुसैन। और अमर खान भी कुछ पैसे जीत ही गए बेचारे। और अब हम चलते हैं। तुमने चीटिंग की है। हाँ सही कह रही हूँ, तुम्हें तो 2 महीने मुफ्त में देती है। हाँ हाँ, तुम्हारे तो बनते ही नहीं देते। अच्छा अब हम चलते हैं सबसे हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ। एक ऑटोमेटिक गाड़ी में कौन से 3 गियर होते हैं? ऑटोमेटिक गाड़ी में कौन से 3 गियर होते हैं? ड्राइव, पार्किंग, रिवर्स। आपको जवाब सवाल देर से समझ आया? नहीं नहीं, ये आसान था सबसे सवाल। नहीं नहीं, तो मैंने वो बता रही थी नहीं, लेकिन 5 सेकंड इमेजिन कर रही थी मैं। 5 सेकंड हो गए थे। ओके, लेकिन जवाब वैसे उन्होंने दे दिए थे 3। यासिर आई थिंक यू शुड गिव देम अ पॉइंट। यासिर दे दिए। चीटर चीटर चीटर। कोई सी 3 चीजें जो सीपीयू में होती हैं?
सीपीयू अच्छा जिम की कोई तीन एक्सरसाइजेस बता दो पुशअप और वो लेग क्या कहते हैं लेग रेज और जंपिंग जैक हो गए जंपिंग जैक बोल दिया अच्छा जी दरख्त पर लगने वाली तीन चीजों के नाम बता दो किन्नू फूल भी होते हैं दरख्त पे और अखरोट अखरोट भी होते हैं और निदा कोई तीन चीजें जो गोल होती हैं जो गोल होती हैं दुनिया गोल है रोटी गोल है और वो जो चकला होता है ना बेलन वाला वो भी बहुत आला अब हम पैसे काउंट कर रहे थे गेम खत्म हो चुकी है भाई वो अमीर है आयशा सबसे दो तीन चार पांच किसी और के पास पांच तो क्या नहीं क्या चार है हमारे सबके पास सोच आयशा रियलिटी बन रही है रियलिटी बन जाती आयशा आप जीत चुकी हैं ये गेम बहुत सारी तालियां आयशा के लिए क्या मिलेगा आयशा पूछ रही है क्या मिलेगा आयशा आपको लाखों करोड़ों लोगों का प्यार मिल रहा है वो तो मिल रहा है क्या चाहिए उसके लिए गेम जीते जीत की खुशी एक अलग होती है आयशा आयशा जीत की खुशी भी ऐसा होता तो तुम हर बार जीतती ना हर शो में तुम जीतती हो लगी और नाज़रीन इसके साथ ही हमारा ये गेम खत्म हुआ है और हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी बिल्कुल नई जो किताब आ रही है अदब जल रहा है उसकी एडवांस बुकिंग अभी भी जारी है आप लोग उसकी बुकिंग करवा सकते हैं जब चाहें फोन उठाएं अपनी खाला को कॉल करके ईद मुबारक कहें और अब जिस गेम की तरफ हम जा रहे हैं वो हम डेडिकेट करते हैं अमर खान को क्योंकि अमर खान हमारे बीच मौजूद है और आप सब जानते हैं कि अमर खान कितनी अच्छी कहानियां बनाती हैं लिखती हैं और सुनाती हैं तो अमर खान को ये गेम डेडिकेट करेंगे लेकिन इसके कुछ रूल्स मैं आपको बताना चलूं कि एक तो इसके जितने भी प्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं कि मैं बहुत दूर सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया के करीब एक जो नया जजीरा डिस्कवर हुआ है वहां के म्यूजियम से लेकर आया हूं बार्टर डील बनाकर मैंने उनसे कहा था कि ये सारे नायाब प्रॉप जो हैं इसकी अनबॉक्सिंग हम आयशा उमर से करवाएंगे वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाएंगी इसलिए उन्होंने हमें ये प्रॉप दे दिए हैं अब करना हमें ये है कि मैं एक कहानी शुरू करूंगा अपने प्रॉप से और वो 50 सेकंड की मैं कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आगे थ्रो कर दूंगा वो कहानी अपने एक कंटेस्टेंट की तरफ अच्छा। और वो वहां से अपनी मर्जी का प्रॉप सिलेक्ट करेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उसमें अपना प्रॉप भी इंटीग्रेट कर देंगे ओके क्या मतलब अपना आपके प्रॉप के बाद अपना हाँ, हाँ जी ओके, मेरे प्रॉप अच्छा। की कहानी चलेगी और वो कहानी फिर आगे निकल जाएगी और उसमें आपका प्रॉप आ जाएगा ठीक हो गया जी ठीक है तो हम देखेंगे कि सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग किसकी है कौन अच्छी कहानी बनाता और सुनाता है अमर खान को तो हमने ही डेडिकेट कर दिया है लेकिन उसके बावजूद हम भी कोशिश जरूर करेंगे तो मेरा प्रॉप जो मुझे मिला है आपके पास तो बड़ी चॉइस है मेरे पास चूंकि ये टॉय है और उसके बाद मुझे ये टाई दे दी गई है तुमने कहा मैं इतना शर्मिंदा हुआ टॉय पहन के मैं सोचा बिल्कुल भी नहीं ये मैंने 10 साल पहले लंदन से खरीदा था ये और आज पहनने मिला है मुझे ये हां ये वो टाई बहुत कूल है थैंक यू मुझे पता था एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का जो एक बहुत ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था वो कॉलेज में दाखिला लेता है जब कॉलेज में पहले दिन वो पहुंचता है तो उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यार तुम टाई क्यों नहीं लगा वो सोचता है कि जब मेरे कपड़े ही इतने फटे पुराने हैं टाई लगा लूंगा तो और ही अजूबा लगूंगा लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है कि मेरे पास एक टाई तो जरूर होनी चाहिए तो वो कॉलेज छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करने शुरू करता है मेहनत मजदूरी करके वो जो कुछ कमाता है वो पैसे जोड़ता रहता है और एक दिन वो वक्त आता है जब वो टाई खरीद लेता है और वो टाई लेकर घर चला जाता है जब वो घर जा रहा होता है तो रास्ते में सिग्नल पे उसे एक गाड़ी नजर आती है उसमें आयशा उमर बैठी होती है जिनका वो फैन भी होता है वो टाई लेकर आयशा उमर के पास पहुंचता है और आयशा उमर आगे क्या करती हैं वो आयशा उमर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अहमद के लिए कंट्रोल करना अपने आप को अहमद जो है वो एकदम से आयशा की विंडो पर एकदम से पहुंचता है तो आयशा बाहर मुड़ के देखती है तो अहमद खड़ा होता है और अहमद के हाथ में टाई होती है तो आयशा मना कर देती है कि बेटा मुझे नहीं खरीदना तो अहमद फिर भी नॉक करता है तो अहमद कहता है कि नहीं मैं आपको बेच नहीं रहा ये टाई तो आयशा कहती है अच्छा फिर आप क्या मुझे गिफ्ट दे रहे हो कहते हैं हाँ ये टाई मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से आपका फैन हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो दे दो तो मैं उससे कहती हूँ कि मैं तुम्हें क्या बदले में दूँ तो आयशा ने ये पहने होते हैं ये बनी ईयर्स तो आयशा कहती है कि मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए ये है और ये बहुत मेरे दिल के करीब है
और वो अपने ये बनी रैबिट ईयर्स उस लड़के को दे दे। अब वो लड़का लेके घर जब पहुंचता है तो टीवी पे अमर खान आ रही हो, तो अब वो अपने बनी रैबिट ईयर्स पहन के अमर खान का ड्रामा देखना शुरू हो जाता है। अब वो बच्चा शदीद दिल बर्दाश्ता हो जाता है। अमर खान के बेलापुर की डायन का वो बहुत बड़ा फैन होता है, तो वो कहता है, ए डायन, आयशा उमर के पास गया मैं टाई लेके और उन्होंने मुझे दिया ये, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बदला लें, आप डायन से बने एक नागिन और आयशा उमर की उस पार्टी में जाएं और उसे ऐसा डसें कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। अब ये पूरी जो हेलोवीन की पार्टी है उसमें अमर खान जाती है एक नागिन का रूप धारण, फैंसी ड्रेस पार्टी में अमर नागिन का कॉस्ट्यूम पहन के, नागिन की तरह फिस फिस करती जो है वो अपनी ही बांसुरी खुद बजाते हुए जाती है। आप सोचे ये शो बन जाए तो उसकी रेटिंग कितनी आए। तो खैर वो इस फैंसी ड्रेस पार्टी में जाती है इच्छाधारी नागिन का रूप धार के और आयशा को ढूंढ रही है और सोनिया मिल जाती है। सोनिया मिल जाती है, सोनिया आगे क्या करती है? सोनिया सांप को देखती है तो फिर क्या आगे प्रॉप क्या उठाती है? सोनिया नागिन को देखती है तो सीडर पर सोचती है ये बच्चा है क्या है, कभी आयशा मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, कभी अमर खान को नागिन बना रहा है, ऐसा सोचता है। पर इन द एंड में हूं तो बच्चा ना को भूख लगती है तो वो फीडर पी ले। ये याद रहे कि बच्चा कॉलेज में था। इतना भी छोटा गोद वाला बच्चा नहीं था। फीडर तुमने इसको दे दे तो कॉलेज के बच्चे फीडर नहीं पी सकते? अरे छोटे भाइयों के बच्चे नहीं पी सकते हैं। अच्छा नहीं लेकिन फिर भी है तो बच्चा ना। चलो 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 कहानी को छोटा रखूंगी ना मैं, इतना बड़ा करूंगी ना फिर कहानी दी एंड पे चली गई हो उधर। तुम उसको दूध पिला दो। वो साइकोपैथ बच्चा होता है सोनिया, वो अभी तक फीडर पीता है। फीडर पी के उसके दिमाग में आता है कि अब मुझे कॉल करनी चाहिए निदो यासिर को। जल्दी तुम्हारी कहानी खत्म सोनिया। ये कहानी निदो यासिर को फोन करके कहता है कि फीडर पी के ही क्यों मेरे दिमाग में है, फीडर में ऐसा क्या है कि मुझे निदो यासिर को कॉल करनी चाहिए। तुमने उसको मशवरा दिया था? मेरे ख्याल फीडर में निदो यासिर का नंबर था। फीडर में निदो यासिर का नंबर मौजूद था। मैं अपने मैजिक इयर्स बैक वापस पहन ली, नंबर लिखा हुआ। निदो यासिर के पास वो पहुंच जाता है। हां पहुंच जाता है फीडर लेके। अब वो बेचारा कॉलेज से निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद आयशा ने भी उसे ये पकड़ा दिया कि टाई ले ली। तो अब उसके पास कुछ नहीं है जब दुनिया में करने को, तो उसने आके मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा आ जा बेटा बैठ। फीडर है, मैंने उसे मौका दिया कि ये लो माइक दिखाओ टैलेंट गाते हो। जब उसने गाना शुरू किया तो निकला वो बेसुरा। मैंने उससे माइक छीन लिया, मैंने कहा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर निदा यासिर ने दिया उसे लिपस्टिक, मैंने कहा चल बेटा ये रही सोनिया खान मेकअप करो उसके ऊपर। तो अब सोनिया खान के ऊपर तो कोई भी मेकअप करे वो तो अच्छा ही लगेगा। सोनिया हुसैन, आई एम सॉरी, फिक्शन में तो सोनिया खान, फिक्शन स्टोरी चल रही है, नाम लूंगी तो मसला हो जाएगा, फंस जाएंगे। वेयर इज योर डॉग? अब जो ये शक्ल है इतनी प्यारी है कि उसके ऊपर तो जो भी मेकअप करो अच्छा लग सकता है। सो यहाँ से उसकी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। वो एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है और आके नबीला को टप टाइम देता है। अमेजिंग। उसका नाम, और जैसे ही वो लड़का नबीला में आता है तो वो जो है ईद शो में आ जाता है हम टीवी के, और वहां पे वो यासिर हुसैन का मेकअप करता है। Right. और जैसे ही उनका मेकअप कंप्लीट होता है तो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं और शो शुरू हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छा, आपने लड़के की तरबियत ऐसी की माशाल्लाह कि बगैर पढ़े वो लड़का लाखों करोड़ों कमा रहा है। उस लड़के को एक फूल मारा जाए। माशाल्लाह ऐसे राइटर्स हो, ऐसी राइटर्स लग जाए खुदा की कसम, मैं कहता हूँ कि टीवी की रेटिंग जो है छत फाड़ के बाहर चल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तो लाख देते अच्छे जो चल रहा है, अगर सही है ना, हाँ, अगर मुझसे कम से कम मारे तो नहीं पड़ रही लोग, एडवेंचरस जर्नी थी अहमद, कम से कम सेम स्टोरी लाइंस तो नहीं है सारे ड्रामों में। अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा जो थप्पड़ तो नहीं पड़ रहे, बच्चा कुछ डिफरेंट है जी। आयशा उमर की जो स्टोरी टेलिंग की जो ये टैलेंट है जो नया नया अभी अभी डिस्कवर हुआ है, आयशा हम उसके लिए जो है ना तालियां बजाते हैं। बिल्कुल मजाक, आपने बहुत अच्छा जो उससे टाई लेके आपने उसको अपना प्रॉप दिया ना, ये मुझे अच्छा लगा। आपने कहा उसकी रात बन गई, लेकिन वो नागिन से मिला, फिर उससे मिला, फिर वो निदा से मिला, फिर वो पहुंच गया उसकी रात। राइटर बता रहा हूँ कि जैसे वो मैंने आपकी गाड़ी के पास उसको छोड़ा ना, तो आपने जो रियलिज्म वहां पे लाई ना कि वो बजाता तो आप कहती मुझे टाई नहीं खरीदनी। बहुत अच्छा था कि मुझे टाई नहीं खरीदनी, बेचने आया हूं। लेकिन ये वाकई बहुत, क्या पता चोरी करने आया हूं, मुझे ये लगा ना, नहीं बेटा नहीं, ये भी बड़ा अच्छा। लेकिन जो कहानी अमर खान ने सुनाई हमें आज,
नागिन हसीना वो कहानी चाहिए हमें हाईएस्ट रेटेड ड्रामा के लिए, अगर वो हॉरर की तरफ जाए फैंटेसी नहीं, फैंटेसी वर्ल्ड चलेगी ये कहानी। और दुनिया की शॉर्टेस्ट स्टोरी जो है वो सोनिया हुसैन ने कॉलेज जाते अहमद को जो फीडर दिया सोनिया हुसैन ने। मुझे क्या पता कॉलेज अहमद को याद रहेगा लाइफ टाइम, एकदम ही लड़का बड़ा हुआ और निदा के यासिर के शो में पहुंच गया। हां जी 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 जी। लेकिन बहुत ही अच्छा ये मुझे सेशन लगा स्टोरी टेलिंग का, इसके आइडियाज मिले, बहुत बहुत आइडियाज मिल गए मुझे। और इस पे तुम चले जाना सफा लाहौर से इस्लामाबाद, क्या चले जाओ। और अब वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा कहने का, हालांकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ ये गुजार के। आई होप आप लोगों को भी इस शो में आके बहुत मजा आया होगा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपको बहुत मजा आया। और अब वक्त आ गया है कि जाते जाते हम आज का विनर भी अनाउंस कर दें। वैसे तो बहुत क्लियर विनर है यहाँ पे, आई एम द विनर, लेकिन फिर भी हम इन लड़कियों में से किसी एक को विनर बनाएंगे और उस विनर को मिलेगा ये गिफ्ट हैम्पर। तो ये मिलेगा हमारी विनर को, और हमारी आज की विनर है आयशा उमर। आयशा आइए और ये दीजिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको ये हैम्पर पाके या जीत के? नहीं नहीं, ये आपके लिए जाएगा। और बाकी लोग भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके साथ भी इजाजत लेने जाएंगे आप लोगों के घर तक। वो विनर कैसे मिला? हैम्पर तो ये तो फैमिली है मेरी। देखिए इनके साथ हैम्पर जा रहा है, इजाजत लेने खुद जा रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को। अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के साथ भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। अब मैं जाऊंगा आयशा, मिनट टू फेम जो हमने एक वॉल बनाई है इस पे आप जाएंगी और अच्छा। जाके अपने फैंस के लिए एक मैसेज देंगी और उसके बाद हाँ नहीं नहीं ये आप अच्छा। यहाँ रख सकते हैं, मैं कहीं नहीं लगे, ये सब सामान जाली में कैद। मैंने कहा मे बी यू वांट अ पिक्चर विद द हैम्पर। नहीं नहीं, दिस इज फॉर एवरीबडी वॉचिंग, पूरी दुनिया में जो लोग ये जबान समझ सकते हैं, जिनको समझ आ रही है, एंड ऑल माई फैंस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आप लोग इतना अनकंडीशनल लव देते हैं, एंड थैंक यू फॉर द हेट ऑल्सो। लेकिन कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्यार स्प्रेड कर सके करें, क्योंकि इट ऑल कम्स बैक टू यू। एंड ईद मुबारक टू एवरीबडी वॉचिंग। इस ईद पे स्पेशली जितना ज़्यादा अपनी सराउंडिंग्स और इर्द गिर्द के लोगों के बारे में माइंडफुल हो सकें कि आप गंद तो नहीं फैला रहे, आपकी कुर्बानी हो रही है तो आपके नेबर और आपकी स्ट्रीट पे कोई गंद तो नहीं फैल रहा जो आप क्लीन अप नहीं कर रहे, सो सफाई का बहुत ख्याल रखा करें, अपने दिमाग की भी, अपनी सराउंडिंग्स की भी और अपने दिल की भी। ईद मुबारक। बहुत अच्छा, अच्छा बोली, मेरी आंखें नम हो गई। हाँ, आपसे सीखा है। नहीं नहीं प्लीज, मैं कह ये राइटर्स बैठे हैं इतने बड़े बड़े। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं कहूंगा अमर खान से कि प्लीज हो जाइए। मेरी तरफ से आप सब हम के व्यूवर्स को दिली ईद मुबारक। और एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि महंगाई जितनी उरूज पे है, आप सब जो हर रोज ही नित नए खाने खाते हैं, इस ईद में उन हकदार लोगों तक अपनी कुर्बानी का गोश्त जरूर पहुंचाएं जो शायद कुर्बानी में हिस्सा भी नहीं डाल सके। और दूसरी बात, अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के खुश रहें। हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि हम दूसरों की खुशी से बहुत मुरझा जाते हैं, और क्योंकि खुद खुश नहीं होते किसी और को भी खुश नहीं देख सकते। तो ईद का मौका है, आज से ही काम और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। Happy to all of you. Thank you, Umar. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना सोचती हो आप। और अब सोनिया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए अपने फैंस के लिए। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि मैंने कहीं अभी रिसेंटली पढ़ा था कि जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, तो उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनकी तारीफ करें, क्योंकि जो लोग गुजर जाते हैं वो ना आपकी तारीफ सुन सकते हैं ना उनको कभी ये पता लगेगा कि आपने उनसे कितनी मोहब्बत की थी। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो या एक्टर्स हो, क्योंकि हम एक्टर्स यूजुअली ट्रेंड भी ये कि एक्टर्स गुजर जाते हैं उसके बाद हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो भी है आपका स्पॉट बॉय या आपका कैमरामैन जो अच्छा काम कर रहा है, उसको उसकी ज़िंदगी में सराहें, मेकअप आर्टिस्ट, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, और उनको बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपको कितने अच्छे लगते हैं। ईद मुबारक। बहुत अच्छी बात की आपने, और वाकई हमें अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। और अब बारी आती है निदा यासिर, प्लीज आइए। और क्योंकि जितने ज्यादा फैंस और किसी के नहीं है निदा, जितने आपके फैंस हैं, हम सब जानते हैं, रियल फैंस हैं, रियल तानी भाई जी। हाँ, मैं कोई भाषण कोई नसीहतें नहीं देने वाली,
मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अपनी जिंदगी इंजॉय करें, 4 दिन की जिंदगी है। सो जो आपके करीब कोई टॉक्सिक लोग हैं जिनकी वजह से आपको चिड़चिड़ाहट होती है, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। और वो वाली बात है, कुछ लोग आपको चिढ़ाने के लिए इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो उनसे चिढ़ना छोड़ दें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप ज़्यादा लंबी उम्र सेहतयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये मेरा इस ईद पे मैसेज है कि अपने आप को उन लोगों के घेरे में रखें जो पॉजिटिव हैं और हमेशा आपका भला चाहते हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत थैंक यू वेरी मच निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा आखिरी मैसेज था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।